भाई लोग, क्या हाल चाल है? होपफुली सब बढ़िया होगा। अब देखो, सबसे पहले तो सारी चीज़ें साइड में रख दो एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू गाइस। अब जितने भी यार यहाँ पे मेरे मुस्लिम भाई लोग हैं, उन लोग को तो पता ही हो कि यार आज ईद है। एंड जिन लोग को नहीं पता, उन लोग को मैं बता देता हूँ। एंड अब आज ईद है तो यार थोड़ा सा मतलब आज मैं बिजी रहूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली भाई यार यहाँ पे ईद जो है वो साल में 2 बार ही आती है, तो यहाँ पे पूरा दिन गेम खेलने का कुछ मतलब है नहीं। थोड़ा बाहर दोस्तों के साथ घूमूंगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा एंड ऑल। भाई रात को तो यार यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि वापस से गेम खोल लूँ, क्योंकि अभी के लिए यार यहाँ पे मेरा रैंक जो है वो कुछ 1600 या 1700 को 1700 के आसपास चल रहा है। और अब जबकि यार यहाँ पे अपना वीडियो अपलोड का जो टाइम रहता है वो शाम के 7 बजे के आसपास रहता है, तो यहाँ पे मैं जो भी बोलूँगा वो समझ जाना कि मैं मॉर्निंग के लिए बोल रहा था। भाई अब यार यहाँ पे ईद के दिन भी यार यहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो एडिट करके ला रहा हूँ, तो यार इस चीज़ पे एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। बाकी भाई यार सारी चीज़ों को साइड में रखो एंड सीधा आज के वाले फर्स्ट गेम प्ले की तरफ बढ़ती है। तो यार इस वाले मैच में थोड़ा सा अपन खतरनाक वाला डोमिनेशन मचाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे भाई ऑब्वियसली हर एक गेम प्ले में भाई डोमिनेशन रहता ही रहता है अपना। और बस होप्स हो कि यार कल रात तक यहाँ पे अपना कॉन्करर जो है वो लग जाएगा डुओ में भी। अब वैसे तो यार चांसेस कम है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा जैसा कि मैंने बोला कि ईद की वजह से रेस्ट लूँगा, तो यहाँ पे चांसेस कम तो है, लेकिन क्या पता यार यहाँ पे कल रात तक हो भी जाए। और अगर कल रात तक नहीं भी हुआ तो परसों तो यार यहाँ पे डेफिनेटली अपना कॉन्कर जो है वो हो ही जाएगा। बाकी अभी यार यहाँ पे देखते देखिए अपने टोटल 8 किल्स हो चुके थे, और ये वाले बंदे के लिए मेरे को थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि इसका टीममेट जो था ना वो यार यहाँ से जो दुम दबा के भागा है ना, लिटरली इसको कवर देने तक नहीं रुका यहाँ पे बंदा, तो ये वाले बंदे के लिए खराब तो लगा। लेकिन अब जो बंदा यहाँ से भाग के गया है उसको भी तो यार यहाँ पे ढूंढना बनता है। अब यार यहाँ पे एक ही बंदे को ढूंढने हम लोग निकले थे, लेकिन यहाँ पे एक बंदे की जगह 2 टीम्स मिल जाती है एंड बारी बारी से यार इन लोग को भी यहाँ पे क्लियर कर दिया जाता है। एंड इन लोग को मारने के बाद काफ़ी देर इधर से उधर घूमने के बाद फाइनली एट द एंड जहाँ पे हम लोग उतरे थे, जहाँ पे दवाई मचाई थी, वहीं पे वापस आके रुकते हैं एंड यहीं पे हम लोग को बंदे मिल जाते हैं। और अब यार यहाँ पे मेरे को समझ में ये नहीं आया कि यार इतने अच्छे खासे परफेक्ट नेट्स गए थे वो वाले बंदे के ऊपर, लेकिन अभी तक वो वाला बंदा सरवाइव कैसे कर रहा था वो इधर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जो भी यार वो वाले बंदे को क्लियर करते हैं, अब नेक्स्ट जोन जो था वो हल्का सा आगे से शिफ्ट हो चुका था।
और अब गाइस यहाँ पे जोन के अंदर वैसे भी गिने चुने कंपाउंड्स बचे थे जहाँ पे भी यार जहाँ पे कि यार यहाँ पे बंदे हो सकते थे। तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पे कंपाउंड्स जो है वो चेक करना चालू करते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले ही वाले कंपाउंड पे जाके यार यहाँ पे हम लोग को एक टीम मिल जाती है एंड ये वाली टीम को तो यार एकदम ही सस्ते में इजीली निपटा दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ से जो आगे का गेम इंटेंस होगा ना भाई साहब, बस देखते जाओ। अब यार पहले तो हम लोग को यहाँ पे ओपन में एक ही बग्गी वाला स्पॉट हुआ था। अब हम लोग ने सोचे कि यार इसको भी यहाँ पे सस्ते में निपटा देंगे। लेकिन जैसे यार उन लोग के ऊपर चाहते हैं ना, एक बंदे को यहाँ पे नॉक करते हैं। लेकिन भाई उसके बाद जो दोनों तरफ से हमारे ऊपर स्प्रेज आना चालू हुए, ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी जो थी वो इधर फूट जाती है। और अब यहाँ पे हम लोग ओपन में पूरा फंस चुके थे। सो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चॉइस बची थी, स्मोक करके यार सामने वाले गाटका वाले बंदों के ऊपर पुश करना। और अब यार जैसे तैसे यहाँ पे रिस्क लेके लोग के ऊपर हम लोग पुश भी मार देते हैं एंड ये वाले टीम को वाइप आउट कर देते हैं। एंड इसके बाद अब यहाँ पे लास्ट के दो और बंदे बचे थे। यार एक बंदे की लोकेशन तो ऑलरेडी मेरे को पता थी जो कि यार सामने वाले पुश के पीछे थी। लेकिन अब दूसरा बंदा जो था ना उसके अभी तक यार कोई भी लोकेशन यहाँ पे रिवील नहीं थी। एंड बंदा भी जो था वो स्मार्टली खेल रहा था यहाँ पे भाई, बिल्कुल भी कोई भी फुटस्टेप या फिर कुछ भी ऐसी निशानी नहीं दे रहा था जिससे कि यार उसकी यहाँ पे लोकेशन हम लोग को पता चल जाए। लेकिन अब लास्ट में बंदा जो था वो इधर जोन के बाहर फंस जाते तो इसके पास कोई भी चॉइस नहीं रहती फायर करने के अलावा। यहाँ पे अपने टीममेट को नॉक तो करता है लेकिन फिनिश नहीं डाल पाते। तो यार यहाँ पे कोई ऐसा टेंशन वाली बात थी नहीं, अच्छा खासा इजी सा अपने को प्लस मिल जाता है। बाकी बढ़ते हैं आज के सेकंड गेम प्ले की तरफ। देखो ये वाले मैच में स्टार्टिंग में सीन ऐसा था ना कि अपन टावर पे उतरते तो है लेकिन यहाँ पे उतरते ही नॉक एंड फिनिश डाल दिए जाते। तो बस उसके बाद करना कुछ था नहीं, यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट वूट करते और उसके बाद यहाँ पे बंदों की तलाश में निकल जाते। यहाँ पे हम लोग को एक टीम भी मिलती है, इनको निपटाते हैं। एंड उसके बाद सामने वाले स्क्वाड हाउस पे भी एक टीम रहती है लेकिन यार ये लोग यहाँ पे मीटअप वाले थे तो फिलहाल इन लोग को पीछे छोड़ के यार आगे की साइड और बंदों की तलाश में निकल लिया जाता है। और अब यार ये वाले मैच में अपना लक थोड़ा सा सही था क्योंकि ये वाले मैच में अपने को उतरते यार चार नीड्स मिल जाते हैं एंड बचे हुए तीन नीड्स में शॉप से उठा लेता हूँ। मतलब अपने पास अच्छे खासे थ्रोएबल्स हो चुके थे तो अब बस करना कुछ नहीं था यार, कहीं भी बंदा दिखे सीधा पुश मारो एंड नीड की बरसात करके उसकी यहाँ पे बेटी बना दो।
एंड अब लास्ट में सीन ऐसा था कि यार हम लोग को छोड़ के तीन और टीम बची थी, जिसमें से यार दो टीम तो यहाँ पे ही ये वाले बान हाउस पे थी और जो बची हुई एक टीम थी वो तो मीटअप वाली थी। तो यार सबसे पहले तो अब इनको भरेंगे। लेकिन अब इधर का सीन ऐसा था ना कि यार यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि यार कौन सी टीम का कौन सा बंदा है, तो अभी के लिए यार ये वाली टीम तो वाइप आउट हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे समझ में ये नहीं आ रहा था कि यार ये जो बंदा पीछे से फायर ले रहा था ये आखिर किस टीम का बंदा है, क्योंकि अब यार यहाँ पे हम लोग को छोड़ के दो और ही टीम बची है, जिसमें कि यार एक टीम जो थी वो तो इधर मीटअप वालों की थी। तो यार यहाँ पे मतलब पूरा का पूरा जो था ना वो कन्फ्यूजन था। लेकिन जैसे पीछे वाले बंदे को नॉक करता उसके बाद यहाँ पे पता चलता है कि वो जो बंदा था वो तो इधर मीटअप वाली टीम का बंदा था। तो अब उसका जो था ना वो इधर प्लान चेंज हो चुका था। दो बंदे थे जिसमें से अगर एक बंदा इधर मीटअप करना चाहता था एंड दूसरा बंदा इधर मारना चाहता था। तो यही होता है यार जब यहाँ पे आप रैंडम के साथ खेलते हो एंड रैंडम कुछ और चाहता है एंड आप कुछ और चाहते हो। लेकिन ये वाला बंदा जो था वो इधर लॉयल था, तो यार इसको बस यहाँ पे मीटअप ही करना था एंड थोड़ी देर यार इसके साथ बात बात करने के बाद यहाँ पे लास्ट में फिस्ट फाइट करने का डिसीजन लेते हैं। और सामने वाला बंदा इधर अच्छा खासा डैमेज भी दे देता है, लेकिन एट द एंड यार ये वाला चिकन भी अपने को मिल जाता है। बाकी तो यार बस इतना चल गेम प्ले। अगर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे कहीं से मिलेगा चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना एंड अगर वीडियो को ज्यादा पसंद तो उसे शेयर कर देना। बाकी तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस। I'm here for the money, I ain't here for the fame, though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come along and see it's true.